नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच चर्चा के लिए संजय अलंग जी मौजूद हैं। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ साथ एक ख्यातिलब्ध साहित्यकार भी हैं, जिनकी रचनाएं पूरे भारत में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। आज हम डॉक्टर संजय अलंग जी से खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह यह एक प्रशासक की भूमिका में और एक साहित्यकार की भूमिका में अपने आप को सहज पाते हैं और कैसे रचनाएं इनके मन में उपजती हैं, हृदय में उपजती हैं। हम चलते हैं डॉक्टर संजय अलंग जी के पास और जानते हैं इनकी पहले पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम शुरू करते हैं। जी नमस्कार। मेरे लालन पालन जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक जगह में, जो बैकुंठपुर हेडक्वार्टर है, वहाँ हुआ। और मेरे माता पिता दोनों पंजाब से थे। विभाजन के बाद पिता आए और माता तो पंजाब से ही थी। फिर हम बैकुंठपुर में ही रहे। यहाँ अच्छा संग साथ मिला, दोस्त अच्छे मिले, शिक्षक अच्छे मिले, सराउंडिंग अच्छी मिली, तो थोड़ा ठीक ठाक करते बना। एक प्रशासक की भूमिका में और एक साहित्यकार की भूमिका में आप कैसे अपने आप को सहज महसूस करते हैं और किस प्रकार यह कर पाते हैं? साहित्य या कला सृजन जो भी है, सृजनात्मक कार्य जितने भी हैं, उसमें प्रशासन भी आता है। तो प्रशासन और कला सृजन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों का उद्देश्य समाज की बेहतरी ही होता है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से समाज में सुधार करने जाता है। संयोग से वो दो तरीके मेरे पास। जी, बैकुंठपुर की यादें और बैकुंठपुर की कुछ बातें बहुत सी हैं। स्कूल है, बचपन है, दोस्त हैं, शिक्षक हैं और बहुत अच्छा प्राकृतिक माहौल है और सहजता है, सरलता है। और ये जनता के बीच में रहना ही मुझे सबसे ज़्यादा हांट करता है। और मेरी एक किताब जो पगडंडी छिप गई थी, कविता की पुस्तक है, उसमें बहुत सी जो कविताएं आई हैं वो इसी सराउंडिंग्स के आसपास की आई हैं। जी निश्चित ही एक आपकी जो रचनाएं हैं उसमें सौ नदी उस तरह सुंदर जैसे एक बाघ, पगडंडी छुप गई है, छत्तीसगढ़ इतिहास एवं संस्कृति, इस यह पुस्तकें आपने लिखी भी हैं और यह पुस्तकें कई जगह छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ ही बैकुंठपुर का भी इतिहास दर्शाती हैं। तो यह सारी खोज और यह सारी चीज़ें कहाँ से आई और इसमें जितनी के रचनाएं आई ये आपने कहाँ से आपके हृदय में आई और शुरू किया? देखिए, छत्तीसगढ़ पर मेरी 10 से ऊपर बुक्स हैं। तो छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति एक बेहतर शोध पुस्तक है और बाकी अन्य पुस्तकें शोध आधारित पुस्तकें ही हैं, थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग हटके हैं। और शोध की दृष्टि से जब आप कोई काम करते हो तो आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है या लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है, ऐसा कहें तो ज़्यादा समीचीन होगा। और जब आप कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करते हो, 2016 में क्या हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको देश की सर्वश्रेष्ठ बुक घोषित करके 1,00,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया, तो उससे वो पुस्तक ज़्यादा प्रकाश में आ गई। हालांकि उसके अलावा भी 10-12 पुस्तकें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हैं। इसके अलावा वो 3 पुस्तकें हैं कविताओं की जिनका आपने जिक्र किया, शव, पगडंडी छिप गई थी और नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाघ। तो उसमें रिसर्च के दौरान और जनता से मिलने के दौरान जनता ही सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनती है कि आपको किस तरह की चीज़ें हासिल होती। निःसक्त जन को लेकर भी एक मार्मिक विषय हो जाता है
और उस पर भी आपके लेख हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी आपने, उनकी भी मार्मिकता को आपने छुआ है, तो उस पर लेख और कविता भी। हाँ, बुज़ुर्गों के लिए, जेरियाटिक प्यूपिल्स के लिए और PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ काम किया, तो उसमें कुछ बेहतर काम हो पाया तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, तो उसको थोड़ा डीप ढंग से काम करने की कोशिश की। साहित्य के प्रति रुझान कब जागा आपका, और कैसे यह इसकी शुरुआत हुई? लिखोगे तो अपने आप साहित्य के प्रति रुझान जगेगा। तो पहले तो जो भी चीज़ें थी उनको लिखना शुरू किया तो आ गया। जब मेरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य बने, और मैं, क्योंकि मेरा जन्म और लालन पालन दोनों छत्तीसगढ़ में हुआ था, और छत्तीसगढ़ मुझे बहुत हंट करता है, छत्तीसगढ़ मेरी रगों में है, सांसों में है, तो जब मैं यहाँ आया विभाजन के बाद, तब तक मेरी पदस्थापनाएँ मध्य प्रदेश वाले हिस्से में रही थीं, तो मेरे को कई बदलाव देखने को मिले, तो छत्तीसगढ़ के विषय में मैंने कुछ जानकारियाँ एकत्र करना शुरू की, और विभिन्न लाइब्रेरियों, बड़ी लाइब्रेरियों से संदर्भित ग्रंथ वगैरह निकालने शुरू किए, संदर्भ निकालने शुरू किए, तो वो जानकारी जब पर्याप्त और अच्छी मात्रा में एकत्र हो गई कि छत्तीसगढ़ कैसे बना, कौन आया, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें छत्तीसगढ़ को बनाने में कारगर हुई, तो उनको फिर लिपिबद्ध करना आवश्यक हो गया, क्योंकि जानकारी आप अपने पास रख के करोगे क्या, तो सभी तक संप्रेषित हो, तो हर कोई समाज से कुछ ना कुछ लेता है, और हर कोई ये चाहता है कि समाज को कुछ वापस भी करे, तो मेरी तरफ से ये एक तरह का अनुभूति ये भी थी कि मैं इस तरह से वापस करने की कोशिश कर रहा था, और वो बेहतर बन पाया, प्रशंसित हुआ, लोगों ने उसको चाहा, पुरस्कृत भी हुए, कविताएं भी पुरस्कृत हुई, और इतिहास तो कुछ ज़्यादा ही शोधात्मक और अच्छा रिसर्च बुक के संदर्भ पुस्तकों के रूप में यूज़ किया जाने लगा, तो धीरे धीरे बात बनती चली गई। छत्तीसगढ़ के इतिहास पे विशेषकर आपने लिखा है, जो एक अनछुआ इतिहास रहा है, हर जगह यह इतिहास हर किसी के पास नहीं था, जिसे आपने बहुत ही संजीदगी से पिरोया है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कई चीज़ें ऐसी लगें जो सच आप बोल रहे हैं कि अनछुई सी थी, जैसे छत्तीसगढ़ के नाम में कोई भी संख्यावाचक नाम है तो संख्यावाचक नाम अपने आप में एक शोध का विषय हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, तो और उसमें गढ़ को लेके भ्रांतियाँ थीं, लोग उसको दुर्ग और किला कह रहे थे जबकि वो एक प्रशासनिक इकाई थी, तो जब मूल रूप से मैं शोध करना शुरू किया तो कुछ मूल संदर्भ मिलने शुरू हुए, और फिर कई चीज़ों को मैंने लाइन अप करने की कोशिश की, तो छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा ये नया शोध सामने आया, फिर सरगुजा, कोरिया, पलामू वाले हिस्से में जो बड़ी व्यापक 1857 की क्रांति हुई थी और साल तक युद्ध चला था, वो एक नया तथ्य सामने आया, इसी तरह से रियासतों के झंडे शामिल आए। अभी तक का जो इतिहास लेखन मूलतः हो रहा था वो गजेटियर आधारित हो के मुख्य भूमि के छत्तीसगढ़ पे था, खालसा भूमि पे हो रहा था, तो फिर मैंने वो समाहित रूप से लिखना खालसा जमींदारियाँ और रियासतों पे पृथक पृथक खंड बना के उसको एक वृहत रूप देने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की समस्त चीज़ें समाहित हो जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो गढ़ नाम प्रयुक्त हुआ है वो मुश्किल से 27 या 30% भूमि वर्तमान की को इफेक्ट करता है, बाकी तो वो हिस्सा था, और जैसे सरगुजा का पूरा संभाग बंगाल प्रांत में था और रांची कमिश्नरी से वो इस तरफ आया, तो चीज़ें को एक सेट रूप में आगे लाने की दृष्टि से जब मैं आगे बढ़ा, फिर रियासतों के झंडे भी मिले जो अभी तक अनवील्ड थे, रियासतों के विषय में भी डिटेल में लिखा, जमींदारियों के विषय में कुछ निकाला, तो और जनजातियों और जातियों के विषय में और लिखा कि वो किस तरह से यहाँ आई और उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या दिया और छत्तीसगढ़ ने उनको क्या दिया, तो एक बड़ा समेकित विषय बनता चला गया और कई चीज़ें उभर के सामने। निश्चित ही आपने छत्तीसगढ़ के विकास के साथ ही उस पुरानी चीज़ों को भी गढ़ा है,
कि किस तरह से धीरे धीरे करके एक छोटे से कस्बे का विकास हुआ बैकुंठपुर का, और बांस को लेकर के भी आपने बहुत ही सुंदर क्या क्या चीज़ें बनती है उसका भी उल्लेख किया। नहीं, बांस वाली कविता अपने आप में एक हिट कविता है, वो एक अलग बात है। कविताएं और भी हैं जो काफ़ी संदर्भित हुई और उल्लेखित हुई। ये जो आप बैकुंठपुर वाला मुद्दा पूछना चाह रहे हैं, तो नेचुरली अब मैं यहाँ पला बढ़ा था तो उस पर विशेष ध्यान दे के कुछ लिखा, तो वो नई नई चीज़ें आई सामने। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका नाम सामान्यता व्यक्ति नहीं जानता, और आपने उसको संकलन किया, आखिर किस तरह से हुआ ये? शोध से, पढ़ने से। गांव में भी गए होंगे और वहाँ से भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों के नाम आए होंगे। हाँ, बिना भ्रमण, मैं ज्ञान के हिस्से में भ्रमण को भी जोड़ता हूँ, पढ़ने में लोगों से मिलना जुलना भी शामिल है और ज्ञान का एक स्रोत वो भी है, तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। आपकी पहली रचना, और उस पहली रचना पे लोगों के क्या मत आए और किस तरह उस रचना को लोगों ने लिया? इस पे रिएक्ट करना तो थोड़ा कठिन है कि पहली रचना क्या थी, अब तो उसे याद कर पाना भी थोड़ा कठिन लग रहा है, पर अच्छे अभिमत आए। आप लिखने और शुरुआती दौर में जब लिखना छपना शुरू किया तो होता यह है कि दोस्तों के बीच आप एक थोड़ा सा पहचान बननी शुरू होती है, फिर अगले स्टेप में लेखकों के बीच पहचान बननी शुरू होती है, फिर समाज के बीच पहचान बननी शुरू होती है। लेखन जिसको, जिस दृष्टि से आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं लिखता तो बहुत पहले से था, परंतु उसको एक व्यवस्थित ढंग से किताबों के रूप में या पत्रिकाओं में छपने के लिए देने के रूप में मैंने थोड़ा अपेक्षाकृत लेट शुरू किया। तो जब लोग आमतौर पे जिस उम्र में आके स्थापित हो जाते हैं, मैं उसके बाद शुरू किया, तो थोड़ा लेट भले लगा, पर उससे एक प्रेरणा का शब्द ये निकल सकता है, प्रेरणा की लाइन, की लेखन एक ऐसा आर्ट है जिसको आप किसी भी समय किसी भी उम्र में कभी भी शुरू कर सकते हो। तो लोग, और मैंने अपने हर शोध में बहुत जगह लीड दी है कि इसमें शोध किया जा सकता है, ये है वो है, तो मैं कोशिश किया हूँ कि लोगों को इस तरफ ध्यान जाए। जो बात आप बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान नहीं गया, तो लोगों का ध्यान तभी जाएगा जब वो शोध के प्रति प्रेरित होंगे, पढ़ने के प्रति प्रेरित होंगे और घरों में किताबें पहुंचाएंगे, लाएंगे। यहाँ की नदियों और नदियों को लेकर के विषय आए, और उस पर गेज नदी का नाम कैसे पड़ा, और इस तरह की और भी कई नदियों पर आपने शोध किया है, तो आज की स्थिति गेज की जो है और पहले की स्थिति में, चूंकि आप बैकुंठपुर रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर तो आप हर दिन में पाएंगे, और गालिब का एक शेर होता है कि यूं होता तो क्या होता, तो हर व्यक्ति इसी तरह से काम करता है कि यूं होता तो क्या होता, कि आज जो है उससे थोड़ा बेहतर हो जाए, हर कोई बेहतर होने की दिशा में बढ़ना चाहता है। एक प्रशासक और एक साहित्यकार, दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, और ये आप दोनों में ही ख्याति प्राप्त किए हैं, क्या कहेंगे? दोनों को आपस में मिलने नहीं देता, दोनों को आपस में मिलने नहीं देता। जो मेरे नौकरी का टाइम है वो मेरे नौकरी का टाइम है, और लेखन का टाइम मैं आमतौर पर दोनों, और दोनों काम एक साथ कभी भी मिंगल नहीं करता, दोनों पर अलग अलग चलते हैं, एक से दूसरा प्रभावित नहीं होता। आपकी एक पसंदीदा रचना के कुछ अंश। एक माँ को सभी बच्चे प्यारे होते हैं। एक कविता के कुछ। अच्छा जी, आपने डॉक्टर संजय लंग जी को सुना, आज की चर्चा बस इतनी ही।